नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है सरगम रिकॉर्ड्स के इस यूट्यूब चैनल पर। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तु। अरे मैं आपको हनुमान चालीसा नहीं सुना रहा, बल्कि आज ये बताने जा रहा हूँ कि हनुमान चालीसा कैसे लिखी गई। तो आइए आज हम इसी को लेके बात करते हैं कि हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने कहाँ और कब और कैसे लिखी। तो चलिए आज आपको उसी के बारे में बताते हैं। ये बड़ी विचित्र घटना है। जब आगरा में अकबर का राज था, अकबर के मंत्री टोडरमल ने तुलसीदास जी के बारे में काफी कुछ सुन रखा था कि उन्होंने एक रामायण की रचना की। तो टोडरमल पहुंच गए तुलसीदास जी के पास और उनसे जाके बोलते हैं कि आप बहुत बड़े लेखक हैं, तो आप एक हमारे राजा अकबर के बारे में कुछ लिखिए। तो तुलसीदास जी ने कहा, नहीं, मैं किसी और के लिए नहीं लिखता, मेरी कलम तो प्रभु श्री राम के लिए चलती है। इस पर टोडरमल को भी काफी दुख हुआ। उसने जाकर अकबर को सारी ये बात बताई। अकबर को गुस्सा आया, उन्होंने तुरंत तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया और कहा, इनको कारागार में बंद कर दो। तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया गया और उस जेल में बंद किया गया फतेहपुर सीकरी, जहां पे उस जेल के आसपास बंदर बहुत थे। अब तुलसीदास जी को 40 दिन तक उस जेल में बंद रखा गया। 40 दिन तक तुलसीदास जी ने हनुमान जी से ये प्रार्थना की कि प्रभु, आप तो तारनहार हैं, आप तो संकटहारी हैं, आपने तो प्रभु श्री राम को बचाया, पर इतना कष्ट मुझे क्यों दिया जा रहा है। ऐसा बोलने के बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हुआ यूं कि जिस किले में, जिस कैद में, जिस जेल में तुलसीदास जी को बंद कर रखा था, उसके आसपास सभी बंदरों ने आकर उस जेल को घेर लिया, यानी जितने भी सैनिक थे सभी को घायल कर दिया। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कि खुद श्री हनुमान जी ने अपनी बानर सेना को वहां पर तुलसीदास जी को मुक्त करने के लिए भेज दिया हो। और जब इस बात का अकबर को पता चला तो उन्होंने तुरंत तुलसीदास जी को कैद मुक्त कर दिया। उसी टाइम तुलसीदास जी ने ये लिखा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान चालीसा की ये रचना उसी वक्त की है। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी और अद्भुत जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सरगम रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, देखते रहिए आपका अपना चैनल सरगम रिकॉर्ड्स। धन्यवाद।